गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अ क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश. स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी हैव डन 1 to 5 चैप्टर्स. टुडे वी विल स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 6, माय ग्रैंड चिल्ड्रन. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. रिहाना सैट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री, रेस्टिंग हर बैक अगेंस्ट इट्स gnarled ट्रंक. स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर ऑल्सो. स्टूडेंट्स, रिहाना, शी इज़ द ओल्ड वुमेन, यहाँ पे बैठी हुई है ट्री की शेड में. ओके, रेस्टिंग हर बैक अगेंस्ट इट्स gnarled ट्रंक. जो ट्रंक आप देख रहे हो कैसे ट्विस्टेड है स्टूडेंट्स, उस पर अपनी बैक की सपोर्ट लगा के बैठी हुई हैं. इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट डे. डे बहुत ही सुहावना था. After her husband died, Rihanna returned to Imphal and lived a peaceful life in the hills. स्टूडेंट्स, उनके रिहाना के हस्बैंड की डेथ के बाद रिहाना इम्फॉल से वापस आ गई हैं और एक पीसफुल लाइफ, बड़ी ही शांतमय जिंदगी, हिल्स मीन्स पहाड़ों पे जी रही हैं. हर सन ऑफन आस्क्ड हर टू लिव विद हिज फैमिली इन कोलकाता, बट शी वॉज नॉट हैप्पी टू डू सो. उनका जो बेटा है वो कोलकाता में रह रहा है. उन्होंने अपने मदर को कई बार इंसिस्ट किया कि वो उनके साथ रहें, पर वो ऐसा करने में खुश नहीं है. उनको यहीं पे, ठीक है, वो मणिपुर में रह रही हैं, उनको वो यहीं पे अच्छा लगता है. ही वुड टेल हर दैट ही डिडंट लाइक द कर्फ्यू एंड द प्रेजेंस ऑफ द आर्मी. पर उनका बेटा उनके साथ नहीं रहता क्योंकि मणिपुर में कर्फ्यू मीन्स वो लॉज हैं, पुलिस अक्सर रहती है, आर्मी हमेशा प्रेजेंट रहती है, वो इतनी रिस्ट्रिक्शन में रहना पसंद नहीं करता. बट दैट वॉज डाउन इन द वैली. पर जो मणिपुर है वैली में जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें मीन्स लॉ, पुलिस हर टाइम रहती है. शी लाइक टू लिव हेयर, केयरिंग फॉर हर पेर प्लांट्स एंड ट्रीज एंड वेटिंग फॉर होलिका दहन हॉलीडेज वैन हर ग्रैंड चिल्ड्रन वुड विजिट. पर जो रिहाना है वो मणिपुर में रह के बहुत खुश है. वो यहाँ पे वो बड़ी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रही है, प्लांट्स की केयर करती है, ट्रीज़ के को प्रॉपर टेक केयर करती है. और नाउ अब वो वेटिंग करती है होलिका दहन हॉलीडेज़, जब उनके सभी ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं उनके पास और वो खूब इंजॉय करती है. Now, Rihanna could hear the echoes of her grandchildren voices as they raced up and down the mountainside. स्टूडेंट्स, अब रिहाना को वो सब याद आता है कि जब वो सारे बच्चे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन वहाँ आ जाते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं एज अ रेजर अप एंड डाउन एंड द माउंटेन साइड, जब वो पहाड़ों पे ऊपर नीचे चढ़ते हैं और ऊंची ऊंची, वहाँ पे आपको पता है जो प्लेस खाली होती है, सुनी हुई होती है, वहाँ पे जो वॉइसेस है वो बहुत गूंजती हैं. दे वुड प्ले हाइड एंड सीक इन द फॉरेस्ट, हाइडिंग बिहाइंड बुशेस एंड अप इन द ट्रीज. अब वो वहाँ पे आके क्या खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलते हैं, हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस अप एंड ट्रीज इन टू द ट्रीज. स्टूडेंट, वो झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं, ट्रीज के पीछे छुप जाते हैं या ट्रीज के ऊपर चढ़ जाते हैं, इस तरह वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं. दे वुड नॉट हैव टू मेक डू विद द हाइडिंग अंडर टेबल्स और बिहाइंड कर्टन्स, चेयर्स एंड डोर्स. स्टूडेंट्स, जैसे घरों में हम लोग कभी टेबल्स के पीछे, कर्टन्स या चेयर्स डोर्स के पीछे छुपते हैं, पर ऐसा वहाँ पर नहीं है, ठीक है, वहाँ पर ओपन में वो खेलते हैं. Now, please students, side by side, you have to look the picture also. Now, children couldn't wait to come home to Manipur to feel free and to have lots of space. ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको मणिपुर जाना है, मणिपुर जहाँ पे उनकी दादी माँ रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्पेस है और वो पूरा अपने आप को फ्री, क्योंकि वहाँ पे उनको जस्ट इन्जॉय करना होता है. इन कोलकाता देयर वर नो ट्रीज इन देयर नेबरहुड, पर जहाँ वो रह रहे हैं कोलकाता में, वहाँ पे कोई भी ट्री नहीं है उनकी पड़ोस में. हियर दे वुड बी क्लाइंबिंग ट्रीज ऑल द टाइम, पर यहाँ पे वो हर समय ट्रीज पे चढ़ते थे, क्लाइंबिंग करते थे. नाउ रिहाना स्माइल्ड एट अ फॉन्ड मेमोरी. अब जो रिहाना है उनकी दादी माँ, वो पुरानी यादों को देख सोच रही है और खूब इंजॉय कर रही है. नाउ व्हेन मानवी वाज ओनली 4, स्टूडेंट्स हियर देयर आर द ग्रैंड चिल्ड्रन, शी इज जोजो, शी इज मानवी एंड ही इज मैचन, ऑल आर द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रिहाना. Now when Manvi was only 4, जब मानवी सिर्फ 4 years की थी, she had refused to climb down all the day. वो हर समय ट्री पे बैठी रहती थी. Now Rihanna had even had to feed her while she sat on the lowest branch of the tree. जब उसकी दादी माँ को उसको कुछ खाना खिलाना होता था, वो सबसे नीचे वाली ब्रांच पे आ जाती थी, उसको खाना खिला देती, वो मतलब ट्री से नीचे नहीं उतरती थी. Now what a celebration they would have. वो कितना सेलिब्रेट करते थे, कितना इंजॉय करते थे ग्रैंड चिल्ड्रन. Now Rihanna would cook up a straw.
जो रिहान उनकी दादी थी, वो कुक अप विद ग्रेट स्पीड उन सब बच्चों के लिए जो उन्होंने खाना होता था सब झट से तैयार कर देती थी। मैचन लव्ड मणिपुरी क्यूसीन, स्टूडेंट्स हियर क्यूसीन मीन्स फूड, मैचन लव्ड मणिपुरी क्यूसीन एंड ही वुड डिमांड मिसा मैच पुरा एंड मशरूम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो मैचन है उसको मणिपुरी डिशेस बहुत पसंद है और वो हमेशा डिमांड करता है किसकी, मिसा मैच पुरा। स्टूडेंट दिस इज द ग्रिल्ड श्रिम्प डिश और यू कैन से ग्रिल्ड नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, दैट इज़ नॉन वेजिटेरियन डिश है और मशरूम जो उसको बहुत पसंद था। ही हैड ओनली बाय इन कोलकाता, जबकि कोलकाता ये भी स्टूडेंट्स नॉन वेजिटेरियन डिश है कोलकाता की, वहाँ पे उनको सिर्फ बाय ही मिलता था एंड वुड बी बोर्ड विद इट, वो बार बार वो ये चीज़ खा के बोर हो चुका था। मानवी वुड वॉन्ट टू इंस्पेक्ट द गार्डन क्लोजली, जो मानवी है ग्रैंड डॉटर है उनकी, वो हर समय जो गार्डन है उसको नज़दीक से देखना चाहती थी क्योंकि ये चीज़ें उनकी कोलकाता में नहीं थी। शी शेयर हर ग्रैंड मदर्स लव फॉर ऑल ग्रोइंग थिंग्स, जो उसकी दादी माँ जिन चीज़ों को पसंद करती थी वो उनके साथ शेयर करती थी। शी वुड चेक ऑन द हेल्थ ऑफ ईच प्लांट, हर प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है उसके बारे में वो चेकिंग करती थी। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हर टू स्पॉट दैट द ओक ट्री वॉज नॉट एज हेल्दी एज इट शुड बी, हर चीज़ को इंस्पेक्ट करती थी कि ओक ट्री को जितना स्ट्रॉन्ग जितना ग्रो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, मीन्स बड़ा डीपली जाती थी। शी वुड ऑल्सो काउंट ईच फ्रूट इन एवरी ट्री, हर ट्री का हर एक फ्रूट कितने और ग्रो हो गए काउंट करती थी। रिहाना वॉज गोइंग टू हैव ग्रेट फन विद मानवी इंस्पेक्टिंग दैम एंड प्लकिंग द राइपन्ड वंस, रिहाना उसकी दादी को ये बहुत अच्छा लगता था कि मानवी इतनी गहराई से सोचती है और जो भी पक जाता है फ्रूट उसको उतार लेती है। नाउ लिटिल जोजो, नाउ शी इज द लिटिल जोजो स्टूडेंट्स, वुड वियर द ब्यूटिफुल स्कर्ट, उसने अपनी स्कर्ट डाली एंड ब्लाउज डाला दैट रिहाना हैड गॉट फॉर हर, उसकी दादी माँ उसके लिए लेके आई है। मानवी वुड लिव इन हर जीन्स सो दैट शी डिडंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग दैम डर्टी, जो मानवी है उसने जीन्स डाली हुई है उसको कोई टेंशन नहीं है कि वो डर्टी हो जाएगी। बट जोजो वुड रिवेल इन हर मणिपुरी क्लोथ्स, रिवेल मीन्स टेक ग्रेट प्लेयर स्टूडेंट्स, उसकी दादी जो उसके लिए मणिपुरी ड्रेस लेके आई है वो बहुत प्लेयर बहुत अच्छा फील करती है। शी वुड किस रिहाना रिंकल्ड चीक्स टू थैंक कर, वो अपनी दादी की थैंक्स के लिए उसको चीक्स पे रिंकल चीक पे किस करती है। नाउ इवन टुडे रिहाना कुड फील द वार्मथ ऑफ द यंगेस्ट ग्रैंड चिल्ड्रन लिप्स एंड सॉफ्टनेस ऑफ हर चीक, आज भी उसको अपने पोते पोतियों की जो सॉफ्टनेस है चीक जब वो उनके चीक पे किस करते थे या लिप्स पे उसकी सॉफ्टनेस आज भी वो महसूस कर रही है। एंड दे वुड आस्क हर टू टेल देम स्टोरीज, अब वो जब फिर आएंगे और उनको बोलेंगे कि उनको स्टोरी सुनाओ, विच वन वुड शी नरेट, अब वो कौन कौन सी स्टोरी उनके लिए नरेट करेगी सुनाएगी, अ लिविंग वन फॉर मानवी, मानवी जो हर रियल स्टोरी चाहती है, ओके फॉर मानवी, अ लाफ्ड अलाउड वन फॉर मैचन, मैचन जो उसका ग्रैंडसन है वो खूब हंसी वाली ऊंची ऊंची जो उसे हंसी आई ऐसी स्टोरी चाहता है, अगली वन फॉर जोजो, और जोजो जिसको वो भी सा काइंड ऑफ लाफ्टर स्टोरी हाँ वो भी ऐसी स्टोरी पसंद करती है, अब वो सारी ऐसी स्टोरी को नरेट करना चाहती है। नाउ रिहाना सैट इन द गार्डन, अब वो गार्डन में बैठी एंड वॉच द सनसेट ओवर द मैग्निफिशेंट हिल्स, अब सूरज छुप रहा है हिल्स पहाड़ों के पीछे एंड शी प्लान्ड द स्टोरीज इन हर हेड, और वो अपने दिमाग में वो सारी स्टोरीज सोच रही है जो उसने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुना दी। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल विद द चैप्टर माय ग्रैंड चिल्ड्रन, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। सो प्लीज स्टूडेंट्स दैट्स ऑल विद द चैप्टर, ओके रीड द चैप्टर एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ओके स्टूडेंट्स रीड द चैप्टर, टिल देन गुड बाय।